लिखा किसी लिखने वाले ने, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए तो असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए तो असली सूरत छुपी रहे, अरे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। 500 वर्ष के इंतजार के बाद जिस नाम की आस लेकर के आदमी जीवन को जीता है, महाराज जी जिस नाम की आस लेकर के जीवन मिले तो राम, मृत्यु मिले तो राम नाम सत्य है, लेकिन 5000 वर्ष निकल गए राम जी की सूरत देखने को नहीं मिली। क्यों? इधर में आज 5 अगस्त को राम पूजन है और विरोधियों के चेहरे पर सूजन है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बाबा? आज राम पूजन है और विरोधियों के चेहरे पे सूजन है। मैं वहीं से अपने गीत को लेकर के चल रहा हूं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, ये कहा उन्होंने, लेकिन हमारा कहना है राजा या रंक हो मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है, जीवन वो काली राख जरे के समान है, जीवन वो काली राख जरे के समान है, राजा या रंक हो मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है, जीवन वो काली राख जरे के समान है। ये 100 रुपए का पुरस्कार विश्व तक हम लोगों की आवाज को पहुंचाते हैं और आप लोग घर बैठकर आनंद लेते हैं। पंडित रोहितास YouTube चैनल राजस्थान, उनकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए। राजा या रंक हो मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है, जीवन वो काली राख जरे के समान है। और हमारे माँ साहब इन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे परशुराम माँ साहब पढ़ाया है, शिक्षा दिए, बड़े भाई थे, वो ज्ञान आज तक छलक रहा है। अरे राजा या रंक हो मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है, इज्जत न आब हो आदर न भाव हो, आन बान सम्मान डरे के समान है, आन बान सम्मान डरे के समान है, आन बान सम्मान डरे के समान है। दाग लगे रक्त पे, दाग लगे रक्त पे किसी किसी वक्त पे, चुप रहना भी बोल खरे के समान है, चुप रहना भी बोल खरे के समान है, चुप रहना भी बोल खरे के समान है। अगर मेरी लाइन आप लोगों के दिल को छू जाए तो पीछे तक तालियां चाहूंगा। चुप रहना भी बोल खरे के समान है, प्रण पन रह सके ना बात सही कह सके, जीते जे आदमी मरे के समान है, जीते जे आदमी मरे के समान है, जीते जे आदमी वो मरे के समान है। देखिए कहे विश्व गुरु भारत अपना, कहे विश्व गुरु भारत अपना, और सुख का सागर लहराया है, संतों का मनोरथ सफल हुआ फैसला कोर्ट से आया है, संतों की तपस्या, संत चाहता है तो देश को जिस गांव में पैर रख दे चमन हो जाता है गांव, संत के वो चरण पर जाए क्यों, लेकिन संतों का भी अंतर है महाराज जी, संतों का भी अंतर है। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। किसी ने कहा दुनिया धन धन करती है, धन नहीं बरसता अंबर से, दुनिया धन धन करती है, धन नहीं बरसता अंबर से, धन की बौछारें होती हैं झूठ और आडंबर से। तो जितने आडंबरी तकाए
वो 420 हम सब बंद हैं, सब जेल में बेटा। क्यों के संतों का मनोरथ सफल हुआ तो फैसला कोर्ट से आया है। 5 अगस्त को दिवाली का समय देखिए, 5 अगस्त को दिवाली का पर्व मनाया लोगों ने और दुल्हन की तरह से अयोध्या को दीपों से सजाया लोगों ने। तो मैं यहां से गीत को शुरू कर रहा हूं। अरे मंदिर का निर्माण अवध में, अरे मंदिर का निर्माण अवध में, और मैं एक बार चाहूंगा मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मंदिर का निर्माण अवध में, मंदिर का निर्माण अवध में लहर खुशी की लाया है। मंदिर का निर्माण अवध में लहर खुशी की लाया है। और लाइन ऐसी आ रही है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो ताली न बजाए। अरे मंदिर का निर्माण अवध में, मंदिर का निर्माण अवध में लहर खुशी की लाया है। और खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। अरे मंदिर का निर्माण अवध में, मंदिर का निर्माण, सभी मेरे साथ बोलेंगे, अरे लहर खुशी की लाया है। अरे खत्म हुआ, अरे खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध। भक्त राम के महाराज जी बेटा, अरे भक्त राम के मंदिर में अब राम नाम धुन गाएंगे। भक्त राम के अवध में राम नाम गुण गाएंगे। आज तक राम की स्थिति क्या थी मां साहब? अरे भक्त राम के मंदिर में अब राम नाम धुन गाएंगे। अब तक राम की स्थिति त्रिपालों की, अब तक त्रिपाल में जगह थी राम के लिए, त्रिपालों की जगह राम मंदिर में पूजे जाएंगे। त्रिपालों की जगह राम मंदिर में पूजे जाएंगे। त्रिपालों की जगह राम मंदिर में पूजे जाएंगे। अरे भक्ति भाव राम भक्तों का, भक्ति भाव राम भक्तों का हृदय बीच समाया है। भक्ति भाव राम भक्तों का हृदय बीच समाया है। अरे खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। हाँ, खत्म हुआ वनवास, राम का राज अवध में आया है। सच्चे संत के हाथ में शासन और प्रशासन दोनों आ जाए महाराज जी तो यही होता है। क्यों? अरे हरी भरी हो राम की नगरी, हरी भरी हो राम की नगरी, ये
मोदी का कहना है, हरी भरी हो राम की नगरी, ये मोदी का कहना है। रहे थे जैसे राम राज में, रहे थे जैसे राम राज में, ऐसे ही सबको रहना है। रहे थे जैसे राम राज में, ऐसे ही अब रहना है। क्यों? अरे श्री राम ने अवधपुरी को फिर से अपनाया है। दौड़ियो मत, और मेरे साथ एक बार सब बोल दें, अरे श्री राम ने अवधपुरी को फिर से अपनाया है। खत्म हुआ वनवास राम का राज, पीछे तक आवाज जानी चाहिए। खत्म हुआ वनवास राम का राज, अब सुने। अरे बुरे, अरे बुरा समय 2020 का, ये भी बहुत पहले घोषणा हो चुकी थी। अरे बुरा समय 2020 का, और पूरा साल खत्म होगा। अरे आया जो रावण रूपी कोरोना, आया जो रावण रूपी कोरोना, देखो आज खत्म होगा। आया जो रावण रूपी कोरोना, देखो आज खत्म होगा। जब राम नाम के दीप जलाए जाएंगे इस देश के अंदर, और जल रहे हैं, आज के बाद कोरोना ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या बात है रसिया जी। अरे राम रंग में रंगे हुए, राम रंग में रंगे हुए, दलबीर ने भजन सुनाया है। अरे राम राम में रंगे हुए, दलबीर ने भजन सुनाया है। खत्म हुआ वनवास राम का राज, अवध में ओ